वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर बहुत शानदार रहने वाला है, अगर एंड तक देखोगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, इतना कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ में कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि एग्जाम में पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जा सकती है, उनके बारे में आप लोगों से मैं बातें करूंगा। तो बिल्कुल एंड तक लेक्चर को देखेगा, जब तक ओवरव्यू लेक्चर का नया कंप्लीट हो जाए तब तक लेक्चर बंद नहीं करना है, क्योंकि एक बार रिविजन अगर थोड़ा सा आप लोग कर लोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक बच्चा बोला है सर वीडियो जो है 1 घंटे से ज्यादा मत बनाइए। यार ये मैं अपने लिए थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, कोई आर्टिकल आता कुछ ऐसा आगे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया, एक तो ये तरीका है उसको छोड़ दो, वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो देखो कितनी चीजें कवर की जा रही है, तो थोड़ा सा उसको भी अप्रिशिएट करो यार। तो इस तरीके से अच्छे से एंजॉय कीजिए पूरे लेक्चर को। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजों के मैं आप लोग रिविजन करा के चल रहा हूं, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। लेक्चर देखने के बाद में लगे कि यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पर, जैसे कि आप लोग देखते हैं। और कई सारे क्वेश्चन होंगे आज आंसर राइटिंग के, उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी करते रहा जी, इससे आप लोग कई सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर 1,39,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, लगातार फेलियर होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है, आप लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे वो खत्म नहीं हुई है, कि आप लोग उसकी लाइफ से जिंदगी से चले गए, वो थोड़ा सा बस पोस्टपोन हुई है। तो उसको इस तरीके से देखो कि हाँ कोई नहीं, जैसे कि ओलंपिक में प्लेयर जो थे वो तैयारी कर रहे थे, तो ओलंपिक थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, 2020 की जगह 2021 में हो गया, पर लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत करनी थोड़ी ना छोड़ दी। अब उन्होंने जिसने भी मेडल जीते, अभी शानदार परफॉर्मेंस अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, जिंदगी भी कुछ इस तरीके से होती है। अगर कोई ऐसी दिक्कत लग रही है कि अब की बार कुछ नहीं हुआ, दिक्कतें रह गई हैं, तो थोड़ा सा ये समझो कि पोस्टपोन हो गई हैं चीजें, आगे फिर से शानदार तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। और अच्छी बात यहां पर ये लगी आज के ही न्यूज़पेपर में, एक छोटा सा यहां पर ये एक आर्टिकल दे रखा है, यहां पर हमारी कंट्री के अंदर जो पैरा ओलंपिक एथलीट है उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का यहां पर एक पिक्चर दीवार पर देखने को मिला दिल्ली के अंदर बेसिकली, तो ये काफी अच्छी बात है। इस तरीके से नॉर्मली क्या होता था, जो दूसरे प्लेयर हैं जो ओलंपिक वाले, उनको तो सब जानते थे, पैरा ओलंपिक को कोई नहीं जानता था, पर लेकिन अब यहां पर ये अच्छी बात देखने को मिल रही है। ये दो लेक्चर अगर आप लोग लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा, इन दोनों को अच्छे से कवर करके चलिए, सारी चीजें जो भी करंट अफेयर के अंदर आती है वो आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कुछ क्या क्वेश्चन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैं आप लोगों से बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पर। ये कल मैंने कल जो झारखंड पीसीएस का पेपर देखा उसके अंदर था ये क्वेश्चन, आप लोग देखिए इसका क्या आंसर लगाएंगे। इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग बताइएगा। यहां पर बात की जा रही है अगर डॉलर की जो वैल्यू है अगर रुपये के कंपेयर में ये 60 से बढ़कर 65 हो गई है, तो आप लोग इसको कैसे देखेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग इसको, कि डेप्रिसिएशन हो गया रुपये का या फिर डिवोल्यूशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, फिर यहां पर नो चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो ये बताना है आंसर क्या होगा ए बी सी एफ डी, आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और इसी के साथ में डिवोल्यूशन और एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक तरीके से फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे यहां पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा इंटरेस्टिंग भी है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग जो है वो गलत कर कराते हैं। बात की जा रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है जिनका नाम था वेस्टन चर्चिल, ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज मिला, तो किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला, पीस के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में या फिर इकोनॉमी के फील्ड में। इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेंगे थोड़े से आप लोग, पर लेकिन रियलिटी में अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से सोचोगे तो आप लोग आंसर दे पाओगे। जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूंगा, तो अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एडिटोरियल कवर करूंगा, बहुत सारे बहुत प्यारे और शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एडिटोरियल के कंप्लीट होने के बाद में न्यूज एनालिसिस जरूर सुन के जाना, न्यूज एनालिसिस में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि लेक्चर पूरा सुन के जाना, ठीक है, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से कवर कर सको, वरना फिर बोलते हो कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई अगले लेक्चर में, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली बात की जा रही है अभी क्या हुआ, अभी आप लोगों को देखने को मिला बीजेपी के द्वारा चेंज कर दिया गया चीफ मिनिस्टर कहां पर, गुजरात के अंदर में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अभी ये नई जो यंग जनरेशन आ रही है उनको इनके द्वारा रोल दिया जा रहा है, तो उसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है।
तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर नहीं है अगर उस तरीके से आप लोग देखोगे, पर लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे काउंसिल ऑफ निस्ट के बारे में कुछ हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो नीचे वाला आर्टिकल जब आप लोग देखेंगे, ये नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर जो कि डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे यहां पर, इसी के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, तो डिटेल में समझेंगे किस तरीके से आंसर राइटिंग में अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या क्या आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर से यहां पर आर्टिकल आया बेसिकली जो कि आप लोगों से डिस्कस भी किया था AUKUS के बारे में, तो इसके बारे में समझेंगे, रिविजन भी आप लोगों को हो जाएगा और कुछ बातें जानेंगे। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है नहीं डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, सेंसस के बारे में हिस्ट्री पूरी बताने वाला हूं, आगे क्वेश्चन बन जाए तो फिर कंफ्यूज मत होना, सेंसस को पूरा डिटेल में कवर करूंगा यहां पर, सारे एंगल आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीजें कब से सेंसस स्टार्ट हुआ, तो काफी प्यारा आर्टिकल रहेगा। ये वाला आर्टिकल जो है ये चाइना के बारे में बात कर रहा है हालांकि, पर लेकिन कुछ बातें हैं यहां पर, क्वेश्चन भी आ सकता है कि बच्चों को अगर वीडियो गेम का एडिक्शन लग गया है तो यहां पर क्या गवर्नमेंट को इतने टाइट रूल लेकर आने चाहिए जैसे चाइना के अंदर रखे हैं, क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए यहां पर, तो उसके बारे में कुछ बातें की जा रही है, बाकी चाइना के बारे में, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें लगी मुझे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये वाला जो नीचे वाला आर्टिकल है ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में हमारे देश में बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी को किस तरीके से चीजें चल रही है तो उसके बारे में समझेंगे, तो प्यारा डिस्कशन रहेगा, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें डिस्कस करने को मिलेगी। और एक बच्चा बोला है सर आर्टिकल के अंदर की जो चीजें हैं वो वाली आपके जो पीपीटी है उसमें बेसिकली आर्टिकल के जो अंदर चीज होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें कहां से आती हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें यार देखो ये बेसिकली मैक्सिमम में यूज करता हूँ विकीपीडिया का, ठीक है, अलग अलग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जैसे PIB वगैरह हो गया वहां से जो इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट लगते हैं, तो जो भी एडिटोरियल के अंदर तो देखिए बहुत सारी बोल बच्चनगिरी रहती है कई बार तो, ठीक है, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि एडिटोरियल आप लोग के एग्जाम के लिए नहीं लिखा गया है, वो एक नॉर्मल जनता के लिए लिखा गया है, तो इस तरीके से आप लोग समझ के चलिए, ठीक है। तो जो भी नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि ये पता नहीं किस तरीके से क्या क्या चीजें आ रही है निकलकर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो फिर आप लोगों को समझने में मजा आएगा, ओके। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ये बात करने वाला हूं बेसिकली सेंसस के बारे में, सेंसस को हिंदी में जनगणना बोलते हैं, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे और यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करना हो तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बोला जा रहा है एज द सेंसस से पोलिटिकल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक डिसीजन डेवलपमेंट गोल्स डिले द 2021 सेंसस विल हैव इट कोर्स, यानी कि अगर आप लोग ये सेंसस को डिले करते हैं, जैसे सेंसस जो है हमारा बोला गया था कि ये स्टार्ट हो जाएगा लगभग कि 2021 के मार्च में, पर लेकिन अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं सितंबर के महीने में, तो अगर जनगणना लेट होगी तो पता नहीं चलेगा बहुत सारी चीजों के बारे में, तो उसी के चलते यहां पर ये आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको 150 से 200 से 250 में लिख सकते हैं जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो 150 में लिख लेना, यूपीएससी की तैयारी करें तो 250 में लिख लेना। अब मैं आप लोगों को यहां पर कई सारी बातें बताऊंगा बेसिक जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए सेंसस के बारे में। पहले सेंसस के बारे में समझिए कि सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है, तो सेंसस को कंडक्ट कराता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ये जो क्रिएट की गई थी यहां पर बेसिकली 1949 में ये इस तरीके से पोस्ट क्रिएट की गई हमारी कंट्री में आजादी के बाद में, ऑल द सेंसस सी 1951 यानी कि 1951 के बाद में जो भी सेंसस कंडक्ट कराए गए उसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट आया जिसको बोला 1940 का सेंसस एक्ट, यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि जनगणना का जो एक नियम आया वो था ये, यहां पर इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आप लोग बात करिए 2011 का जो सेंसस था वो 15वें नंबर का था, इसका मतलब ये कि 2000 जो अभी ये 21 वाला सेंसस रहेगा ये कितना होगा, ये 16वें नंबर का सेंसस होगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि सेंसस जो होती है जनगणना होती है 10 साल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर 10 साल में हम लोग काउंट करते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, पर लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को बोला आजादी के बाद में बात करो, या फिर अगर 1872 से आप लोग इसको चेक करोगे तो ये सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर बात करोगे यहां पर आजादी के बाद से तो आप लोगों को 7वां सेंसस देखने को मिलेगा, यानी कि 1872 में जब एक मेन प्रॉपर एक सेंसस हमारी कंट्री में आया था उसके हिसाब से बात करेंगे तो ये 15वां है, पर लेकिन आजादी के बाद अगर देखो तो 7वां सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या बोल दिया मैंने यहां पर, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड पर लेकर चलता हूं। देखिए सेंसस की ना एक हिस्ट्री है, जनगणना की एक हिस्ट्री है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप लोग एंसेंट और मेडिवल टाइम में जाएंगे तो ऋग वेदा के बारे में भी सेंसस के बारे में बात की गई, वहां पर भी पॉपुलेशन को गिना करते थे वो लोग, ठीक है, कि हाँ भैया इतनी पॉपुलेशन है क्या क्या हम लोग चीजें ले सकते हैं यहां पर, किस तरीके से अनाज वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो उस टाइम पर भी गिना जाता था। ये ऋग वेदा में बोला गया, चार वेद है ना आप लोगों को पता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, एक और बच गया इसका नाम आप लोग बताइए कौन सा वेद होगा, बस देखता हूँ किस किस को वेद सारे याद है। ये छोटी छोटी चीजें यार ये पता होना चाहिए, और सबसे पुराना वेद कौन सा है, हिस्ट्री की भी ये चीजें हैं थोड़ी सी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में,
नेक्स्ट यहाँ पर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे, जैसे पूछ ले आप लोगों से कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य जिसको आप लोग चाणक्य भी बोला करते थे, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई, इनके द्वारा भी पॉपुलेशन को बेसिकली काउंट करने की बात की गई अर्थशास्त्र के अंदर में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्परर के बारे में अगर बात करिए अकबर के बारे में, तो उनके द्वारा आईने अकबरी जो थी बेसिकली यहाँ पर, तो आईने अकबरी में यहाँ पर उनके द्वारा बात की गई कि एक तरीके से पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी राज्य जो है वो चीजों को ढंग से लेकर चल पाएगा। यानी कि जनगणना आज से नहीं है, पुराने टाइम से आप लोगों को देखने को मिली है। तो ये मैंने बता दिया एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम में, यानी कि जो एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री जो है आप लोगों की, और मध्य भारत जो है उसमें आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। जब आप लोग मॉडर्न इंडिया में जाओगे, यानी कि जो आप लोग जो अभी फिलहाल का जो मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहां से पैटर्न चलना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पहली बार जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था यह था 1830 में, ठीक है, तो हेनरी वोल्टर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था ढाका के अंदर, जो कि आज के डेट में कहां पर जा चुके हैं, बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। सेकंड सेंसस जो कंडक्ट कराया गया 1836 से लेकर 37 तक का, ये फोर्ट ये सेंट जॉर्ज के द्वारा यहां पर कंडक्ट कराया गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट। अगर आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर ये मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पर लेकिन अगर टोटल तरीके से अगर बात करें मॉडर्न सेंसस के बारे में, तो दो तरीके के सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो बोला गया नॉन सिंक्रोनस, यानी कि एक पता चला उत्तर प्रदेश में करा दिया, एक तमिलनाडु में करा दिया, पता चला एक नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में करा दिया, इनके पूरे देश में एक साथ नहीं कराया, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से नॉन सिंक्रोनस। तो इस तरीके से जो सेंसस कंडक्ट कराए गए, ये 1865 से और 1872 में कंडक्ट कराए गए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कंट्री के, पूरे देश में नहीं हुए, इसीलिए नॉन सिंक्रोनस बोला गया। एक ठीक ठाक सा सेंसस कंडक्ट कराया गया जहां से हम लोग काउंट करते हैं नॉर्मली, और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, ये था 1872 में, ठीक है। 1872 में कौन थे यहां पर वॉइसराय, ये थे लॉर्ड मायो, ठीक है, तो वॉइसराय लॉर्ड मायो थे। तो पहला जो यहां पर सेंसस कंडक्ट कराया गया वो यहां से आप लोगों का देखने को मिला, पर लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस था, ये याद रखिएगा 1872 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1872 में जब यहां पर देखने को मिला लॉर्ड मायो के द्वारा, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। लॉर्ड मायो के बारे में कुछ और छोटी सी बातें बता दूं, चलो थोड़ा सा एक गवर्नर जनरल भी आप लोगों को कवर हो जाएगा। लॉर्ड मायो के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स, ये याद रखिएगा लॉर्ड मायो के द्वारा। इसी के साथ में इनके द्वारा डिसेंट्रलाइज किया गया था फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट होता है हमारी कंट्री का, वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। और इसी के साथ में जो यहां पर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो एक नॉर्मल सेंसस कंडक्ट कराया गया, ठीक है, तो यहां पर 1971-72 इसको याद रखिएगा, ये यहां पर कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो था पर्टिकुलर अगर इसके बारे में बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था मायो पोलिस इन अजमेर के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बेसिकली वो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई लॉर्ड मायो के बारे में। तो लॉर्ड मायो जो थे 1869 से लेकर 1872, यानी कि 1869 से लेकर 1872 तक, तो इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिक चीजें हो गई इनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आगे चलते हैं, अब पूरा अगर सेंसस के बारे में बात करें, तो फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस यहां पर निकल कर आया, ये बेसिकली 1881 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1881 में, याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे सेंसस जो है वो प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिले। और यहां पर जो सेंसस थे, सेंसस कमिश्नर जो थे यहां पर, ये थे WC पोलवेडन, ठीक है, तो यहां पर सेंसस कमिश्नर थे जब यहां पर सिंक्रोनस पहला प्रॉपर सेंसस कंडक्ट कराया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये पूछ ले अगर आप लोगों से यहां पर कौन थे भाई साहब, ये तो बता दो, वायसराय, तो यहां पर लॉर्ड रिपन थे, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यहां पर ये रिपन काटा गया, ये याद रखिएगा, रिवन काटा गया, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में देखिए रिपन ने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, अगर आप लोग जानते हो तो। अगर बात करें तो हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें पुराने टाइम पर, तो यहां पर लॉर्ड रिपन के द्वारा काफी कुछ यहां पर प्रोविजन लाए गए, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, तो रिपन वाज द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट बिलव्ड वायसराय जिसको इंडिया में जानते हैं, ये बात इनके लिए बोली गई थी लॉर्ड रिपन के लिए मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, क्योंकि एक काफी जनता के वेलफेयर के लिए इनके द्वारा काम किए गए, क्योंकि जो इनसे पहले लिट्टन था वो सारी हरकतें करके गया था, कई सारी उल्टी सीधी, ठीक है। और इसके चलते यहां पर लॉर्ड रिपन के द्वारा काफी अच्छे अच्छे काम किए गए। तो यहां पर 1880 से लेकर यहां पर ये 1884 तक, यानी कि 1884 तक रहे लॉर्ड जो रिपन थे, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही पहला सेंसस लाया। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो है यहां पर याद रखिएगा, एक हंटर कमीशन तो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हमारी कंट्री में जलियांवाला बाग हुआ उस टाइम पर हंटर कमीशन आया उसको चेक करने के लिए, एक हंटर कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, जो कि एजुकेशन के लिए लाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तो दोनों हंटर कमीशन अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना, एक हंटर कमीशन है यहां पर 1882 का, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और दूसरा हंटर कमीशन जो है वो आगे चलकर आता है फिर 1920 में, तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बेसिकली हिस्ट्री की बात होगी आप लोगों के सामने। तो लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया और लॉर्ड मायो के बारे में बताया। एक और बात, हाँ,
जो यहां पर रिपील कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1882 का था। 1882 में जो प्रेस एक्ट लेकर आया था एक वर्नाकुलर, उसमें क्या था कि एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि एक होता क्या था, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, किसी ने बंगाली में न्यूज पेपर लिख दिया, ठीक है, किसी ने हिंदी में लिख दिया, किसी ने गुजराती में लिख दिया, तो सब लोग अलग अलग न्यूज पेपर छापते थे। तो अंग्रेजों ने यह बोला कि यार तुम ना इसमें कई सारी उल्टी सीधी हरकत छाप देते हो, और जब तक हमको पता चलता है, हम पढ़ते हैं इनको, तब तक वो वायरल हो जाती है, कहीं ना कहीं दंगे हो जाते हैं। तो एक ऐसा एक्ट लेकर यहां पर आए ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसके चलते बोला गया कि इंग्लिश वगैरह में चीजों को लेकर चलो, तो यहां पर एक तरीके से कई सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। तो फिर यहां पर इनके द्वारा उसको हटा दिया गया, जिसके चलते यहां पर इनको एक बिलव्ड वायसराय बोला गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तो ये मेरा हिस्ट्री का मैंने पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, इसके बारे में आइडिया रखेगा। तो इस तरीके से यहाँ से चीजें सेंसस स्टार्ट हुई है, पर लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जब सेंसस हुआ तो यहाँ पर कश्मीर जो था वो एक अलग पार्ट था, इसके अंदर सेंसस नहीं देखने को मिला। तो सेंसस जो था ये एक तरीके से जब से लेके अब तक का हर 10 साल में सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कंटिन्यूअस सेंसस चले हुए आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो दो फेज में देखने को मिलता है, पहले में हाउसिंग लिस्टिंग की जाती है और दूसरे में यहां पर पॉपुलेशन का इनोवेशन किया जाता है। इनके पहले घरों के बारे में बात की जाती है, कहां कहां पर क्या क्या घर वगैरह, और उसके बाद में पॉपुलेशन देखते हैं, और इसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वर्क, क्या क्या काम किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी की जाएगी। तो डिजिटली कलेक्ट किया जाने वाला पहला सेंसस होगा ये हमारी कंट्री में, अब तक का 140 साल की हिस्ट्री अगर सेंसस की उठाकर आप लोग देखोगे। इसी के साथ में ऑफलाइन मोड में भी चीजें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन मोड में नहीं है। अब तक यहां पर अगर बात करें, ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होगा ऐसा आप लोगों को सिटीजनशिप का प्रूफ देने के लिए कि आप लोग सिटीजनशिप हैं या फिर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2021 का जो सेंसस है ये बोला जा रहा है कि कास्ट डेटा को कलेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए जो आर्टिकल है उसमें भी बातें की गई है कि सेंसस जो है कास्ट डेटा के नाम पर यहां पर काफी ज्यादा डिले कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो यहां पर अगर पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात की जाएगी, बेसिकली पहले अदर बोला जाता था, अब इनको ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर बोला जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2014 में सुप्रीम कोर्ट का केस आया, याद रखिएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा बोलते हैं, NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यहां पर है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस निकल कर आया 2014 में, तो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर बना दिया यहां पर, बेसिकली किन्नर जो है उनको थर्ड जेंडर की कैटेगरी में ला दिया। तो उसके चलते पहला जो सेंसस था यहां पर इससे पहले 2011 में होता, तो अब जो होने वाला है 2021 में हो रहा है, तो अब यहां पर इनको ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर लिखा जा रहा है यहां पर, अब तक इनको अदर लिखा जाता था। तो ये चेंज है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, आगे बात करेंगे कुछ यहां पर, पहली बार सेंसस जो है यहां पर 18 लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारे संविधान के अंदर जाएंगे आप लोग, संविधान के अंदर 8वां शेड्यूल है, 8वें शेड्यूल में टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है। तो 22 लैंग्वेज यहां पर नॉर्मली अगर बात करें, पहले 14 लैंग्वेज थी, पर लेकिन फिर यहां पर कितनी हो गई, फिर यहां पर 14 लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज और जोड़कर 8 लैंग्वेज और एड की गई, तो 22 लैंग्वेज हो गई। बहुत बार रिविजन करा चुका हूं, ये 8ों की 8ों लैंग्वेज जो है कौन कौन सा संविधान में संशोधन करके एड की गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। रिविजन हो जाएगा, आलस मत किया करो यार, आलस करने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आलस एक ऐसी चीज है जो इस उम्र में अभी करोगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे। अगर आलस की बात करें तो सुबह उठने में मुझे भी आलस आता है, पर लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है मैं तुरंत साइड में करके उसको उठता हूं, ठीक है। पर लेकिन इस तरीके से आलस में पड़े रहोगे ना तो जिंदगी भर रोते रहोगे, कोई सोल्यूशन नहीं इसका। पढ़ाई में अगर जो काम है आप लोगों का पढ़ने वाला, अगर उसी में आप लोग कोताही बरतोगे तो फिर क्या करने वाले हो, बता दो कुछ और अच्छा चल रहा हो दिमाग में, बिजनेसमैन बनना है फिर कुछ और चल रहा है, तो फिर उसको देखो चलकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो। पर लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ो यार थोड़ा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर वीडियो लंबी बन गई ये क्या कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें मत लिखा करो यार, मतलब इतना टाइम लगता है इतनी वीडियो बनाने में, तो उस तरीके से वीडियो आती है उसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर जरूर दिया करो, ये सारी चीजें वो पूछता हूं जो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। 8वें शेड्यूल के बारे में बात कर दी यहां पर मैंने, अभी यहां पर बेसिकली 18 लैंग्वेज रहने वाली है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी 22 में से, और इसी के साथ में इंग्लिश में भी प्रस्तुत यहां पर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए इंग्लिश जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज में आती है नहीं आती है, ये चलिए क्वेश्चन बताइए, इंटरेस्टिंग है। पहली बार 2011 में जो था ये 16 लैंग्वेज में यहां पर कंडक्ट कराया गया था, जो 22 लैंग्वेज है उनमें से अगर कोड करेंगे, ठीक है। बेसिकली कोड डायरेक्टरी भी बोली जा रही है यहां पर, इंट्रोड्यूस की जा रही है ताकि प्रोसीजर को समझा जा सके, और अदर वर्ड को यूज करके यहां पर थर्ड जेंडर यूज किया जा रहा है, ठीक है। 5 लाख जो लोग हैं यहां पर बेसिकली 2011 की कैटेगरी में अगर देखिए, 2011 का जो सेंसस था उसमें 5 लाख के करीब ट्रांसजेंडर थे, अब देखते हैं कितने यहां पर निकल कर आएंगे। 140 साल की हिस्ट्री में पहली बार डिजिटल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू यहां पर ये बेसिकली उठाई जा रही है,
और इसी के साथ में ये जो सेंसस का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2024-25 तक ये पूरा जाने वाला है, यानी कि जल्दी खत्म नहीं होगा, लगभग आप लोगों को 2025 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। COVID-19 की वजह से भी थोड़ी सी चीजें डिले हो गई हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि क्या अब तक भी डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं 2011 के सेंसस के, जी हाँ 2011 का जो सेंसस था यहाँ पर उसमें रिसेंटली अभी डेटा जो माइग्रेशन का प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा नहीं है कि सेंसस जो है वो बिल्कुल तभी खत्म हो जाता है, डेटा को अपडेट कर भी प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। इशू क्या क्या आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही है यहाँ पर वो है कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस के बारे में बोला जा रहा है कि इसके ऊपर डेटा, कई लोग ये बोल रहे हैं इकट्ठा करना चाहिए, कई बोल रहे हैं इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर लेकिन इकट्ठा तो किया भी गया था 2011 के सेंसस में भी इकट्ठा किया गया था। तो अर्लियर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा डिक्लेयर किया गया अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है उसके बारे में, ठीक है, तो उनके द्वारा इंक्लूड किया गया 2011 के सेंसस में। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि एससी और एसटी वगैरह का अगर डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं तो डेटा कलेक्शन में कई सारे क्रेडिबल रिजल्ट जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन आप लोग ये देखिए, अगर हम लोग कम्युनिटी की कास्ट के डेटा आप लोग देखते हैं तो कई बार देखने को मिलेगा किसी को कहीं पर यादव बोलते हैं, वहीं पर ही कहीं उसको यादू लिखते हैं, कहीं पर उसको यहां पर यदुवंशी लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक स्टैंडर्डाइज्ड डेटा नहीं है हमारे देश में कास्ट को लेकर। और कई सारे लोगों को तो ये डिफरेंस नहीं समझ में आता कि कास्ट को ही वो अपना गोत्र भी बोल देते हैं कि हाँ कास्ट और गोत्र, उनसे पूछो कास्ट क्या है तो वो ही बोल देंगे, गोत्र पूछो तो उसको भी बता देंगे कि हाँ यही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि कई सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते और डेटा आप लोग उन्हीं से पूछोगे तो ये एग्जैक्टली सही डेटा आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए इसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी भी निकल कर आती है। 2011 में पहली बार जब यहां पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये कंडक्ट किया गया, अब तक भी यहां पर उसको रिलीज नहीं किया गया उसका प्रॉपर जो डेटा है, तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहां पर जो यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी, वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं अरविंद पनगरिया, ठीक है, इनके द्वारा बेसिकली यहां पर वे किया गया था कि 2011 का कास्ट सेंसस कैसे आगे लेकर चलना है, ठीक है। ऐसा है क्या पहली बार कास्ट सेंसस हमारी कंट्री में आया 2011 में? जी हां, पहली बार आया, पर लेकिन आजादी के बाद, आजादी से पहले भी यहां पर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। यह कंडक्ट कराया गया था कब? ये 1931 में कंडक्ट कराया गया था। जी हां, 1931 में कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, यानी कि कास्ट सेंसस पहले भी कंडक्ट करा चुका है आजादी से पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, आखिर जो सेंसस है यहां पर उसके बारे में ध्यान क्यों देना चाहिए, जल्दी से सेंसस क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है 2026 में हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के बेस पर जो बेसिकली लोकसभा की जो सीट है, राज्यसभा की जो सीट है, एक तरीके से उनको चेंज करेगा पॉपुलेशन के बेस पर। तो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा यहां पर नेक्स्ट वाला 2026 में, तो यहां पर लोकसभा के अंदर जो सीटें चेंज की जाएंगी तो उसके लिए यहां पर सेंसस प्रस्तुत होना जरूरी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो प्रोजर, यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो पॉपुलेशन के बेस पर भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन काफी रोल प्ले करती है यहां पर। इसी के साथ में कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है पॉपुलेशन के बारे में कि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जबकि जो मेजोरिटी है उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो गई है, इसके ऊपर कई बार कॉन्ट्रोवर्सी रहती है, तो यहां पर इसका भी डेटा यहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो पता चलेगा कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने क्रिश्चियन है, सारी पॉपुलेशन पता चलेगी, तो इसके चलते प्रॉपर फैक्ट रहेंगे सोसाइटी के सामने, तो एक अवेयरनेस रहती है, जो फालतू की चीजें हैं उनसे बच जाते हैं लोग, ठीक है। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पोस्ट COVID-19 ये सबसे ज्यादा दिक्कत में आ गई ये वाली कम्युनिटी, तो उनको प्रॉपर वे से फॉलो किया जाएगा अगर यहाँ पर प्रॉपर डेटा रहेगा तो, ठीक है। तो किसको बेनिफिट देना है, कितना बेनिफिट मिलना है, क्या कॉस्ट आने वाली है बेनिफिट देने की, तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब आप लोग इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं COVID-19 के टाइम पर, तो आप लोग यहां पर ये सेंसस क्यों आप लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े मेले कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे अभी देखने को मिला आप लोग कुंभ का मेला, तो फिर आप लोग कास्ट ये सेंसस को आप लोग कंडक्ट क्यों नहीं करा रहे हैं, तो ये काफी गलत बात है कि सेंसस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताया, तो उसको कंडक्ट कराना काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन आप लोग उसको कंडक्ट करा ही नहीं रहे, उसको डिले किए जा रहे हैं, तो इससे ये सही तरीका नहीं। यहां पर सेंसस जो है इंश्योर करता है एक तरीके से बेटर क्वालिटी कवरेज और क्विक रिजल्ट यहां पर डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन अगर बात करें फिलहाल अनसर्टेनिटी आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कास्ट सेंसस के बारे में लोग बार बार बातें कर रहे हैं कि इसको भी इंक्लूड करके चलना है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है,
बाकी अगर पूछे सेंसस के अंदर यहाँ पर तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट के अंदर, तो ये जरूरी हो जाता है। सारी डेमोग्राफी क्या क्या है, इकोनॉमिक लिटरेसी एजुकेशन हाउसिंग हाउसहोल्ड की एम्यूनिटी क्या है, अर्बन फर्टिलिटी मोर्टेलिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लैंग्वेज, ये सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी की जाती है सेंसस के अंदर में, और भी काफी कुछ, यानी कि जो जनगणना है उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी की जाती है, तो तब आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेंसस का पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं। ये टॉपिक साइंस के इसमें मेंशन नहीं है, पर लेकिन कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बता देता हूं। तो इसको आप लोग अलग से एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तरीके से देखेगा, या फिर एक्स्ट्रा एडिटोरियल बोल सकते हैं छोटा सा, ठीक है। तो बता देता हूं इसको भी, कई कई कंफ्यूजन रहता है। ये बात की जा रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये यहां पर प्रस्तुत करने की बात की गई थी, और बजट ये बेसिकली सेंसस के लिए और नेशनल पॉपुलेशन के लिए दोनों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था हमारी कंट्री में। बोला गया था सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए 8,754 यानी कि 8,754 के करीब करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और यहां पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए यहां पर 3,941 के करोड़ करीब रुपए दिए जाएंगे। अब मैंने सेंसस तो आप लोगों को बता दिया, अब बात करूंगा एनपीआर के बारे में। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो डेटाबेस है वो यहां पर बेसिकली आइडेंटिफाई करेगा ऑल इंडियन यूजुअल रेजिस्टेंस, मतलब एक तरीके से जो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं वो सिटीजन भी हो सकते हैं और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, तो दोनों को काउंट करते हैं यहां पर एनपीआर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये अगर पता हो कि हमारे देश में कितने बाहर के लोग रह रहे हैं, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से कैसे लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि एनपीआर के अंदर कौन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। कोई पर्सन अगर हमारे देश में पास्ट 6 महीने से रह रहा है, या फिर और आगे रह रहा है, या फिर और जितना रह चुका है आया है अभी 6 महीने रहने वाला है, तो ये क्राइटेरिया तैयार किया जाता है बेसिकली इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 6 महीने से रह रहा है या फिर आगे आने वाले 6 महीने में रहने वाला है, तो ये यहां पर बेसिकली इसका क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अंदर अगर बात करें प्रिपेयर किया जाएगा तो कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है नेशनल लेवल पे कहां पर, तो ये सारी चीजें यहां पर चेक की जाएंगी एनपीआर के अंदर में। एनपीआर जो कलेक्ट करता है डेटा, तो जनरल सेंसस के टाइम पर यहां पर अप्रैल और सितंबर में 2010 में भी ये यहां पर बेसिकली कलेक्ट किया गया, यानी कि एनपीआर का भी जो डेटा है यहां पर वो भी इसके साथ साथ में पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलता है। डेटाबेस जो है ये भी यहां पर रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, यानी कि सेंसस का भी डेटा वही मेंटेन करते हैं और ये वाला डेटा भी वही मेंटेन करते हैं। फिलहाल हमारी कंट्री के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आंसर आप लोगों को बताना है। बाकी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये सेंसस जो होता है सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से चलता है, और एनपीआर जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से चलता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, एक छोटा सा आर्टिकल था यहां पर ये बेसिकली, जो मुझे लगा कि कंफ्यूजन ना हो जाए कोई आप लोगों से पूछ ले एनपीआर में और सेंसस में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आप लोगों का डिफरेंस भी क्लियर कर दिया। तो ये आर्टिकल नंबर नेक्स्ट हो गया, यानी कि दूसरा एडिटोरियल हम लोगों ने कवर किया यहां पर, ठीक है। बाकी की आगे चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों को देखने वाला है, इसमें कई सारी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को लेकर माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग यहां पर बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर पोटेंशियल है टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये बताइए, अगर इसको वीडियो को पॉज कर आप लोग बताएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। बताइए फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए फूड प्रोसेसिंग का क्या होता है, मान लीजिए आप लोग खेतों में गन्ना उगा रहे हैं, तो गन्ना आप लोगों ने उगाया तो गन्ना हो गया रॉ मटेरियल। तो ये जो गन्ना आप लोगों ने खेतों में उगाया, इस गन्ने को लेकर अगर आप लोग मार्केट के अंदर जा रहे हैं, मार्केट यानी कि मील के अंदर जा रहे हैं, मील के अंदर इस गन्ने को क्रश किया और क्रश करने के बाद में इसमें से गन्ने का रस निकला, वो गन्ने का जो रस निकला उसमें से आप लोगों ने क्या किया, उसमें से आप लोगों ने गुड़ बना दिया, उसमें से आप लोगों ने शक्कर बना ली ब्राउन शुगर, उसमें से आप लोगों ने प्योर व्हाइट वाली शुगर बना ली, ठीक है, उसमें से और भी कई सारे प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। तो ये पूरे इसमें से निकल कर आए, ये कहां से आए, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग साइड में से यहां पर निकल गया। तो ये जो रॉ मटेरियल था इसका प्रोसेसिंग करके आप लोगों ने इसको चीनी में कन्वर्ट कर दिया, अब मार्केट में ले जाकर इसको बेचा जाएगा। तो तीन पार्ट में ये चीजें डिवाइड होती है। ये तीन पार्ट कौन से होते हैं, पहले को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरे को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इसी पैटर्न में चलती है, अगर वो प्रॉपर चल रही है तो। जैसे चाइना की इकोनॉमी जो है वो इसी पैटर्न में चली, इसलिए चाइना मस्त एक अच्छी खासी इकोनॉमी बन चुका है। पर लेकिन हमारी कंट्री में क्या दिक्कत रही, हम लोग प्राइमरी सेक्टर से जंप मारे सीधे टर्सरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर हम लोगों ने गायब कर दिया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं और दूसरी कंट्री को ले जाकर बेच रहे हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में से आयरन ओर निकाल के जापान को बेच दी ले जाकर, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का निकाल के दूसरी कंट्री को बेच दी ले जाकर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल कर बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे, और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा खासा बढ़ गया, सामान बेचने की बात आ गई यहां पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में बोला था कि जॉब लेस ग्रोथ हो गया, यानी कि ग्रोथ तो आ रहा है निकल कर, पर लेकिन वहां पर ज्यादा लोग काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो पढ़े लिखे लोग आएंगे,
जैसे सर्विस सेक्टर में क्या आता है, जैसे कि टीचिंग हो गया, ठीक है, कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो पढ़े लिखे लोग आएंगे मैक्सिमम यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये काफी कम एक तरीके से कंज्यूम करता है लोगों को, तो इसलिए ग्रोथ तो हो गया अच्छा खासा देश के अंदर, 10% GDP चल रही है, पर लेकिन क्या हुआ यहाँ पर इंप्लॉयमेंट रहा नहीं। तो ये सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमारी कंट्री में अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया, इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप लोग, अगर आजादी के टाइम पर आप लोग देखेगा हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर 50% हमारी कंट्री की इकोनॉमी के जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें 50% रोल प्ले किया करता था, पर लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ये सबसे नीचे आ गया आज के में 14 से लेकर 18 के बीच में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। बाकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कहां पर पहुंची, यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर इंडस्ट्री यहां पर थोड़ा सा ऊपर पहुंची है, यानी कि इंडस्ट्री यहां पर नीचे से थोड़ा ऊपर पहुंची, सबसे ऊपर पहुंचा सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस काफी शानदार निकल कर आई, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, तो इसीलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर को भी हम लोग एक तरीके से अपनी ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें और प्रोसेसिंग करके जब प्रोडक्ट को बेचेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। हमारी कंट्री में लगभग ओनली 10% के करीब मुश्किल से जो फूड है उसको प्रोसेसिंग फॉर्म में लाया जाता है। चाइना में ये जो आंकड़ा है ये लगभग 25% है और यूएसए के अंदर ये आंकड़ा लगभग 64% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा, यानी कि हमारी कंट्री में ओनली 10% डेटा ऐसा है जो कि जो बेसिकली खाने वाले प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोसेस करते हैं, वरना मैक्सिमम बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में भुखमरी भी देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग प्रोसेसिंग करके इनको बेचने लगेंगे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो शानदार होगा और दूसरी कंट्री में भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए क्या है आज के डेट में एक पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर तो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं हम लोग, तो चावल काफी बड़े लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करते हैं, राइस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मैरीन प्रोडक्ट मछली वगैरह ये हो गए, ठीक है, बफेलो मीट काफी लार्ज स्केल पर, सुगर वगैरह प्रोसेस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, कॉटन रो इंक्लूडिंग द वेस्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऑयल से निकला हुआ जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो टी कॉफी ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हो रहा है इसको ये समझिए मार्केट में डिमांड कैसी है। हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर कई बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है एंट्री करने में वहां पर दिक्कत आती है। पर जब से हम लोगों ने अभी फिलहाल रिसेंटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाने स्टार्ट किए, यानी कि जिसमें नॉर्मल खाद जैसे कि गोबर खाद वगैरह वो सब चीजों को यूज करके हम लोगों ने बनाया, तब से लेकर हमारी इंपोर्टेंस बढ़ रही है। तो कई सारे मुद्दों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, अगर एक्सपोर्ट आप लोगों को बढ़ाना है तो क्या क्या चीजें आप लोग करनी पड़ेंगी। तो देखिए सबसे बड़ी तो बात है मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके हिसाब से आप लोगों को सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन का टेस्ट कैसा है आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले ऐसा था कि रोटी खाई अपना, यानी एक तरीके रोटी खाई अपना, कुछ अपना गुड़ खाया, ऊपर से मट्ठा पी लिया, चाय के साथ में रोटी पेल दी, ठीक है, रोटी ली उसके अंदर प्याज रख के खा गए, उसके छाछ के साथ में रोटी ली उसके अंदर चीनी भरी और पेल गए, उस तरीके से उसको खा गए, तो ये चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन आज के डेट में लोग थोड़े से पैटर्न में चेंज आ चुके हैं, अब क्या देखने को मिलेगा, लोग प्रोटीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, लोग अपना किस तरीके से कार्ब की डाइट को मेंटेन करना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लोग अपने न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट करना है, तो इसलिए मल्टी विटामिन लोगों को पसंद आ रही है आज के डेट में। तो इस तरीके से आज के डेट में लोग जो है वो बैलेंस डाइट पर चल रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले लोग नहीं खाना पसंद करते थे, आज के डेट में लोग प्रोटीन के पैकेट खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन के बिस्किट पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग आज के डेट में, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पैकेट जो फूड है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है आज के डेट में, जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो सर्विस बेस्ड सोसाइटी होती जा रही है। खेती करना कोई पसंद नहीं करता आज के डेट में, आज के डेट में अगर किसान भी है वो बेचारा ये बोलता है कि मुझे अपने बच्चों को खेती करानी नहीं है, वो बोलता है कि यहां से निकल जाए, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि खेती के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती नहीं है। पर लेकिन एक नेता का बेटा बोलेगा नेता बन जा, एक एक्टर का बेटा बोलेगा एक्टर बन जा, ठीक है, वो आप लोग देखते हैं यहां पर, तो वहां पर पूरी प्रोडक्टिविटी है। तो इसलिए यहां पर ये जरूरी है, उसके अंदर जहां प्रोडक्टिविटी नहीं है लोग वहां पर काम करना बंद कर देंगे। पर लेकिन इसी तरीके से अगर पैटर्न चलता रहा, यहां से प्रोडक्टिविटी निकलकर नहीं आई और लोगों की डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं रही, तो कल को चलकर खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे देश के अंदर में, तो ये सोचने वाली कुछ बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है न्यूज में, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इंक्रीज किया जा रहा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने के लिए और बोला जा रहा है कि 2022 तक का हम लोग यहां पर 60 बिलियन के करीब अपना एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसका मतलब फिलहाल अभी कितना चल रहा है, लगभग फिलहाल अभी 20 के बिलियन के करीब चल रहा है, तो इसको यहां पर बढ़ाने की बात की जा रही है आने वाले टाइम में। ये 2019 तक का डेटा है, 2015-16 में यहां पर 17 बिलियन था, अब और बढ़ गया है। तो प्रोसेसिंग को बढ़ाएंगे, हमारी कंट्री में कई सारे मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, हमारी कंट्री में कई सारे लेवल पर काम किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर, तो इस तरीके की चीजें बढ़ती नजर आ रही है। तो फूड प्रोसेसिंग अगर हम लोगों ने बढ़ा दी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या निकाल के ले गए, हम लोग खेतों में से मान लीजिए हम लोग टमाटर निकाल के लेकर आए, टमाटो को हम लोगों ने टमाटो सॉस बना दिया, अगर प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ानी है तो ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो दो चीजें बोली गई जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा।
यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर इसके बारे में देखते हैं, अगर आप लोगों को फोकस देना है और ज्यादा यहां पर, तो सबसे पहले दो चीजें हैं। पहला तो बोला गया वैल्यू एडिशन करना है प्रोसेसिंग में, तो यहां पर जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है रेदर देन की प्राइमरी प्रोसेस एग्रीकल्चर कम्युनिटी बेचनी है, यानी कि मार्केट में डायरेक्ट लेकर बस टमाटर नहीं बेचने हैं, पता चला यूएसए में टमाटर बेचने हम लोग अपने ले जाकर, ठीक है ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करना है, टमाटर का टमाटो सॉस बनाकर बेचो, जो टमाटर यहां पर है उनका प्राइस देखना कितना हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा जब वो टमाटो सॉस बन जाएगा, और उसकी एक तरीके से ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाएगी, लंबे समय तक टिकने वाला वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग लेकर चलते हो तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ती नजर आएंगी। तो बोला गया कि प्राइमरी प्रोडक्ट मत बेचो, अपने रॉ मटेरियल मत बेचो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेसिंग करके उसको बेचो, तो फिर देखो कितना मजा आता है और कितनी अच्छी अर्निंग होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग है उसके द्वारा बोला गया कि कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर जो प्रोसेस जो फूड प्रोडक्ट का हमारी कंट्री में टोटल 11% है, जबकि यही चाइना के अंदर 25 से 26% है और यही यूएसए के अंदर लगभग 64 से 65% है। तो हमारी कंट्री के अंदर ज्यादातर खाना बर्बाद इसलिए होता है, ज्यादातर प्रोडक्ट बर्बाद इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि खेतों में ही सामान सड़ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब किसान जो है मार्केट में मंडी में सामान बेचने जाते हैं, अगर कोई खरीदने वाला उसको नहीं है तो क्या करते हैं, वो वहीं पर ही फेंक कर आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके लगता है कि अब उल्टा लेकर जाएंगे, इससे अच्छा तो यहीं पर फेंक दे, क्योंकि उससे ज्यादा तो उनको उसमें दिक्कत हो जाएगी, उल्टा लेकर जाएंगे, इतना सस्ता प्राइस कई बार किसानों को देखने को मिलता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप लोग बात करें, वो शिफ्ट हो रही है आज के में प्राइमरी से सेकेंडरी एग्रीकल्चर में। अभी मैंने आप लोग क्या बताया वो आप लोग देखा ही आप लोगों ने कि पहले प्राइमरी हुआ करती थी, अब यहां पर सेकेंडरी के शब्द को हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसके उसकी साइड को हम लोग जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जब हम लोग जाएंगे तो प्रोसेसिंग फूड निकल कर आएगा, तो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर चलती है तो आने वाले टाइम में इकोनॉमिक आप लोगों को देखने को मिलेगा बढ़ेगी, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा और इससे प्रॉफिट भी रहेगा काफी लार्ज स्केल पर। ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। आंसर राइटिंग के लिए अगर आ जाए यहां पर, जैसे मैंने अभी आप पूछा ना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकेम ग्लोबल लीडर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो यहां पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए, सामान को मानिए खेतों में से निकालकर सही जगह पर ले जाना कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, ठीक है पूरा अप्रोच लगानी पड़ेगी होलिस्टिक आप लोगों, इसी के साथ में इनोवेशन लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर में। ऑपरेशनल क्या चीजें करनी पड़ेंगी, फोकस देना पड़ेगा क्लस्टर अप्रोच पर, यानी कि इकट्ठा करके कैसे कई सारे लोगों एक जगह लाए जा रहे हैं, ठीक है प्रमोट करना पड़ेगा एडिड एक्सपोर्ट, यानी कि ऐसा नहीं है आप लोग रॉ मटेरियल बेच रहे हो, नहीं आप लोग प्रोडक्ट को एक तरीके से प्रोसेस करके बेचो वो ज्यादा फायदा देगा। मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में बात करें तो ब्रांड होना चाहिए इंडिया का, जैसे नहीं कोई ब्रांड के बारे में बात करिए एप्पल का फोन यार ब्रांडेड फोन है, ठीक है इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर आप लोग एक लैपटॉप के बारे में बात कर लिए, किसी जूते के बारे में बात कर लिए, किसी टी शर्ट के बारे में बात कर लिए, तो इनको लोग वैसे आंख बंद कर खरीद लेते हैं कि हाँ अच्छा होगा ही होगा ये, ऐसा नॉर्मली सोच लेते हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जरूरी है हम लोग ब्रांडेड अपनी कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाए, ताकि लोग जो है बोले कि इंडिया का चावल ही खरीदना है भाई साहब, कोई चावल और खाना ही नहीं है, तो ऐसे ब्रांड बनाए ना कि हमारा चावल फेमस हो, ऐसे ब्रांड बनाए ना हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो इंडिया का ही लेना है, तो मेड इन इंडिया होना चाहिए वो। तो इस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहां पर आएगा अगर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले तो जीव निकालकर बेसिकली चाटते रहते हैं कि कहां से उनको प्रॉफिट दिखना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो वहां पर ही आराम से आएंगे लपलपाते हुए, नहीं जीव लपलपाते हुए कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमेशा प्राइवेट वाले आप लोग वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के चलते एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब यहां पर एक तरीके से नहीं कई सारे लेवल पर क्वालिटी अगर आप लोग इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे और मिसलेनियस कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी। तो बेसिक चीजें यहां पर बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें चैलेंज क्या है, सबसे पहले तो हमारी कंट्री में फार्म होल्डिंग जो है वो काफी छोटी छोटी है, ठीक है हमारी कंट्री के अंदर छोटे छोटे खेत देखने को मिलेंगे, एक किसान है उसके उसके बाद में तीन बच्चे हैं, ठीक है किसान के हिस्से में 30 बीघे जमीन आती है, बच्चों के हिस्से में 10-10 बीघे जमीन आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत है यहां पर, छोटे छोटे किसान बन गए जिसकी वजह से यहां पर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती है। रही सही का असर क्या पूरी कर देती है, सिंचाई इरिगेशन सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, तो ये चैलेंज में लिख सकते हैं आप लोग जिसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। मॉनसून कभी कभी तो इतना आता है कि बाढ़ लेकर आ जाता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ये यहां पर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हमारी कंट्री खेती है वो दिक्कतें देखने को मिलती है। सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कई बार अप टू द मार्क नहीं होती है, किसानों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है, मार्केट में किसानों का प्रोडक्ट निकल के आया, हमारे देश में इतनी सब्सिडी नहीं है, यूएसए में सब्सिडी है, तो यूएसए का प्रोडक्ट और सस्ता रहेगा क्योंकि उनके किसानों को मान लीजिए सब्सिडी दे दी उनकी गवर्नमेंट ने, मान लीजिए उनको गन्ना उगाने में 100 रुपए लगे एक क्विंटल गंदा उगाने में यूएसए के अंदर में, उसमें 50 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया कि हाँ आप लोग खाद वगैरह सिंचाई के लिए उनके द्वारा 50 गवर्नमेंट ने दे दिया। अब ये गन्ना मार्केट में अगर ये 40 रुपए में भी बेचेंगे, ठीक है यहाँ सॉरी 50 रुपए 100 रुपए का था 50 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया, अगर ये अब 100 का जो बेसिकली बेचना था अगर ये 80 में भी बेचेंगे तो भी यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा इनको 30 का प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है पर लेकिन हमारी कंट्री में 100 के 100 रुपए लगा रहे हैं किसान अपनी जेब से, अब वहां पर अगर वो 80 का बेच लेंगे उनको तो नुकसान हो जाएगा, तो वो तो 100 का ही बेचेंगे बल्कि 110 का बेचेंगे, कम से कम 10 रुपए प्रॉफिट तो निकल
जाए। अब यहां पर ये 80 का बेचकर भी अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं 30 रुपए, और यहां पर ये 110 का बेचकर भी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। तो यहां पर ये 80 में मिल रहा है मार्केट में, 110 में मिल रहा है, कौन खरीदेगा? जनता किसको खरीदेगी? जनता इसको खरीदेगी। तो हमारे किसान जो है वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं मार्केट में आते, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्रॉप का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजर सोयल वगैरह कैसे यूज किया जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर इनको हम लोग काम करें तो हम लोग आने वाले टाइम में एक हब बनते हुए नजर आएंगे, और अभी ऐसा कुछ देखने को मिला। ट्रेडिशनली बासमती जो चावल है वो काफी फेमस है हमारी कंट्री के, काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता है, पर अभी फिलहाल नॉन बासमती भी एक्सपोर्ट किए गए, काफी बड़ी बात है। अभी बात करें तो 13.09 मिलियन टन जो है नॉन बासमती राइस जो है 4.8 बिलियन, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसा कमा कर गए। 9.6.9 जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे टन जो है यहां पर, एक तरीके से एवरेज निकाल जाए 2.7 बिलियन ये प्रीवियस 5 ईयर में आप लोगों को निकल कर आएगा। यानी कि हमारी कंट्री में से चावल का एक्सपोर्ट अच्छा खासा बढ़ रहा है। आगे मैंने बोला था मीट का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा होता है हमारी कंट्री में, खासकर वियतनाम, हांगकांग, इंडोनेशिया, तो ये कंट्री है जहां पर स्पेशली आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या करती है, वो फिक्स हायर एक स्टैंडर्ड रखती है इंपोर्ट करने का फूड का। यानी कि हमारी कंट्री में से अगर मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग को एक ब्रांड बनाना चाहिए। तो ब्रांड के ऊपर फोकस करना चाहिए, एनक्रेज करना चाहिए, ताकि लार्जेस्ट से ज्यादा हम लोग ब्रांड बना सके। इंडियन कंपनी को भी फोकस देकर चलना चाहिए, कैसे कॉस्ट कंपटीशन, ग्लोबल क्वालिटी, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों को मैनेज करके चलना है, तभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग अच्छे से बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यार अब आप लोग कोई डाउट होगा अगर फूड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं। इतने डिटेल में बता दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना यार, फिर से कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लिया करते किसी चीज की, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देना, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही लिखने हैं, बाद में लिख लेना, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है, हाउ डज गेमिंग एडिक्शन इंपैक्ट चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के ऊपर जो गेम का एडिक्शन है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, ठीक है, तो इनमें लगे हुए टाइम वेस्ट किया जा रहा है, इसमें कितने पबजी, तो हालांकि खत्म हो गया तो सॉरी पबजी वालों, मतलब टाइम वो मत लेना गलत तरीके से उसको, ठीक है। डू यू थिंक चाइना रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ लिमिटिंग जो लिमिटेड आर ऑन द गेमिंग ए गुड वे टू टैकल इट, यानी कि जो गेमिंग एडिक्शन है बच्चों के अंदर, अगर लिमिटेड आर कर दिया जाता है तो क्या ये सही है? चाइना में क्या किया गया अभी, ये मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन के अंदर डिस्कस किया था, लगभग ये शायद 8-10 दिन पहले कवर कर लिया था मैंने नैनो मैगजीन के अंदर, ठीक है। अभी एडिटोरियल के अंदर यहां पर आर्टिकल आ गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बोलता हूं दोनों लेक्चर को देखो ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग फीडबैक भी जरूर दिया करो यार लेक्चर का, ठीक है। लाइक डिसलाइक कर बता सकते हैं कैसा लगा लेक्चर, इसी के साथ में आप लोग बता सकते हैं फीडबैक 10 में से कितने मार्क्स देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे मुझे पता चलता रहता है लेक्चर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उससे आप लोग ये थोड़ा सा काम कर सकते हैं। गेम के क्या किया गया यहां पर इनके द्वारा, कि आप लोग अगर गेम खेलना है तो फ्राइडे में आप लोग बेसिकली गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वीकेंड में गेम खेल सकते हैं और हॉलीडे में गेम खेल सकते हैं, नॉर्मल जो वीक डेज होते हैं उसमें गेम नहीं खेलेंगे 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं। ये चाइना के अंदर एक रेगुलेशन लाया गया तो गेम की एडिक्शन को छिटाने के लिए, इसीलिए चाइना की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ओलंपिक के अंदर में, धांसु परफॉर्मेंस, फाड़ के निकल गए पैरा ओलंपिक में भी, और उसमें भी दूसरे नंबर पर थे ओलंपिक के अंदर में, तो समझ सकते हैं आप लोग। अभी बात करें तो नेशनल प्रेस एंड जो पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा बोला गया 18 साल के विल ओनली बी एबल टू प्ले द गेम 8 to 9 PM, ठीक है, लोकल टाइम के हिसाब से 8 to 9 PM यहां पर ये गेम खेल पाएंगे। तो इसी के चलते यहां पर उनको बार्ड कर दिया गया, और इसी के चलते जो कंपनी है जो गेम प्रोवाइड करा रही है उनको भी यहां पर टाइट लिया गया कि गेम प्रोवाइड इसी टाइम में कराना है। चाइना ने लिमिटेड किया था पहले टोटल जो यहां पर माइनर के लिए ऑनलाइन गेम 3R, अभी 3R से और नीचे यहां पर ला दिया गया, ठीक है, अभी 1.5R ला दिया गया अदर डे में अगर उनको खेलना है तो। यानी कि एक तरीके से यहां पर कंडीशन टाइट कर दी गई है गेम खेलने के लिए। तो चाइना के अंदर ये चीजें बड़ी नॉर्मली रहती हैं, वहां पर ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ होगा तो हाउल्ला हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कंफ्यूजन तो कम से कम नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है तो क्लियर रहेंगी चीजें तो फिर आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, ये एक छोटा सा आर्टिकल था इसके बारे में। आगे यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इसी के साथ में यूके के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे बेसिकली क्या है यहां पर, इसको बोला गया AUKUS। AUKUS अभी क्या है यहां पर, ये तीन कंट्री साथ में आई है अभी मिलकर, ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया और यूके हो गया, इन तीनों के द्वारा मिलकर ये बोला जा रहा है बेसिकली मिलकर एक ग्रुप बनाया गया, और इस ग्रुप को ये जो बेसिकली जो रीजन है कौन से वाला, इंडो पैसिफिक वाला रीजन, यहां पर ये काम करने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया देखिए यहां पर एक ऐसी कंट्री यहां पर जिसकी हेल्प करने की बात की गई यूएसए के द्वारा, इसको पनडुब्बी दी जाएगी यूएसए के द्वारा, क्योंकि ऊपर चाइना है, चाइना कई बार इंडियन ओशन में आके भी हरकतें करते हैं, तो अगर इसके पास में यहां पर ये जो न्यूक्लियर मरीन होगी तो काफी फायदा देखने को मिलेगा इस रीजन में सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। तो बोला ये जा रहा है जैसे क्वाड था ऐसे टैकल करने के लिए यहां पर इसको लाया गया, तो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी हालांकि सामने निकल कर आई है। इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें तो एड्रेस किया जाएगा बोथ यहां पर करंट जो इन्वायरमेंट क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से चीजें हैं। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा बातें तो बोली गई पर लेकिन रियलिटी में संघ से सारी बातें बताई नहीं गई है। ऑलरेडी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से क्वाड काम कर रहा है, क्वाड में चार कंट्री है, कौन कौन सी है चार कंट्री क्वाड में पता ही होगा, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। बाकी यहां पर आसियान के अंदर 10 कंट्री है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं, 10 की 10 कंट्री का नाम लिख के देख लेना। G20 की कंट्री के बारे में पूछ लिया तो आसियान के बारे में पूछ लेंगे, उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। 5I आप लोगों को देखने को मिलेगी, 5I कौन कौन सी है तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 5I की कैटेगरी में है जिसको 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कनाडा बाद में आकर जुड़ा है यहां पर, कोल्ड यहां पर कनाडा जो है ज्वाइन किया गया 1948 में और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और न्यूजीलैंड के द्वारा 1956 में, यानी कि यूके और यूएसए के द्वारा स्टार्टिंग में बनाया गया था और आगे चल चलकर इसमें चीजें चेंज होती चलेगी। इनको मैप में भी आप लोग देखते हैं, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, तो ये कंट्री आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी रिसेंटली दिक्कतें क्या हो गई है, इन्होंने बोला है हम लोग तुमसे खरीदेंगे यहां पर सबमरीन, तो जैसे इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया तुमसे सबमरीन खरीदेंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये डील साइन की गई, तो इसके चलते दिक्कत हो गई है काफी सारी बेसिकली आज के में फ्रांस के साथ में, क्योंकि फ्रांस जो है वो यहां पर सबमरीन बेचने वाला था ऑस्ट्रेलिया को, पर उसने ये बोला था 2032 में हम लोग तुमको सबमरीन देंगे, तो इसके चलते जो ऑस्ट्रेलिया ने बोला 2032 तो बहुत दूर है, अभी तो हम लोग 2020 में भी 2020 में बैठे हुए हैं, 21 में बैठे हुए हैं, तो आगे चलकर दिक्कतें काफी होगी क्योंकि चाइना तो हरकतें छोड़ ही रहा है, तो इसके चलते जरूरी है कि हम लोग इनके चीजों का ध्यान रखें। तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है यहां पर बाइडेन के द्वारा यहां पर, और यूके के बाद में पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जिसको यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो रेक्टिफाई कर रखा है न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है। इसी के साथ में बात करें यहां पर ज्वाइंट मिलिट्री जो प्रेजेंस देखने को मिलेगी, वॉर गेम और मोर इन रीजन में प्रेजेंस देखने को मिलेगी, सिग्नल है यहां पर एक तरह से पोस्चर की बीजिंग को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है ऐसा यहां पर बोला गया है। पर लेकिन अगर इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग यहां पर देखो डायरेक्टली तो उनके द्वारा मेंशन किया नहीं गया कि चाइना को टैकल करेंगे, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा कि सिग्नल भेजा गया उन लोगों को जो हरकतें कर रहे हैं इस रीजन में। तो ये AUKUS यहां पर ये चाइना के एग्रेशन को रोकने की कोशिश यहां पर करेगा, जो चाइना की टेरिटोरियल एंबिशन है, यानी कि एक तरीके से एंबिशन ये है कि दूसरी कंट्री का भी एरिया अपने अंडर में ले ले, तो उनको रोकने की यहां पर कोशिश करेगा। तो इसके चलते बोला ये जा रहा है कि दूसरी कंट्री को भी मिला लेना चाहिए इस AUKUS के अंदर में, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, तो यहां पर साउथ कोरिया हो गया, अगर इनको भी इसके अंदर इंक्लूड करके चलोगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ये सजेशन भी यहां पर बेसिकली दिया जा रहा है। राइटर यहां पर एक बात और बोल रहे हैं कि चाइना की जैसी हरकतें चल रही हैं उसके चलते इस पर्टिकुलर रीजन में काफी इंबैलेंस देखने को मिलता है। अब यूके भी आकर यहां पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहा है तो ये काफी बड़ी बात है। न्यूजीलैंड अलग हो गए यहां पर, न्यूजीलैंड ने ये बोल दिया कि न्यूक्लियर वाले फंडे में मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अभी यहां पर फ्रांस के साथ में रिलेशन बिगड़ गए यूएसए के और इसी के साथ में जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि यहां पर रीजन ये बन गया कि यहां पर अभी फ्रांस से खरीदने वाले थे काफी सारे प्रोडक्ट तो उसको मना कर दिया, इसकी वजह से इशू बन गया। तो काफी लार्ज स्केल पर काफी सारे इंबैलेंस अभी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंडिया के लिए काफी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है क्योंकि इंडिया को फायदा इससे होने वाला है, क्वाड ग्रुप मेंबर ताकतवर हो रहे हैं और बाकी का इंडिया और फ्रांस के जो मिलिट्री रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, तो उसके चलते यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर इसके बारे में बताई गई है। बाकी ये वाला जो आर्टिकल मैंने बताया था इसको वीडियो के एंड में आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, वैसे तो पॉलिटिकल है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। अगर बात करें हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात की जाती है, मैं आप लोगों को पहले सेंटर के बारे में बताता हूं फिर स्टेट के बारे में बता देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात करिए तो हमारी कंट्री में बात करेंगे तो संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 74 डील करते हैं यहां पर जो स्टेटस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है, और आर्टिकल 75 जो है वो डील करते हैं यहां पर कि कैसी टेन्यूर होना चाहिए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या सैलरी होनी चाहिए, वो ये वाला आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार यहां पर पूछे जा चुके हैं इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो टोटल जितनी स्ट्रेंथ है मान लीजिए लोकसभा की जितने भी यहां पर उसके अंदर मेंबर हैं
उसके ओनली 15% ही आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों बोला गया? पता चला सारे एक सबको मिनिस्ट्री दे रखी है, पता चला जितने सारे के सारे मेंबर मिनिस्ट्री लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर एक जिस्ट होना चाहिए। यह प्रोविजन कहां से निकाल कर लाया गया, कब ऐड किया गया? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान के अंदर में, और यह था 2003 में। याद होगा आप लोगों को, एंटी डिफेक्शन लॉ के टाइम पर भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। वहां पर पहले 1/3 था, अगर टूट जाए यहां पर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, और फिर उसको 2/3 कर दिया गया था कि अगर अभी इतने टूटेंगे तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, वो भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही था, और ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया कि 15% मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप लोग रख सकते हैं, इससे फालतू नहीं, मतलब मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे फालतू नहीं। तो ये आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि अगर बात करेंगे तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर इस तरह के क्वेश्चन। अभी हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज की गई थी सेंटर पर भी, और स्टेट के अंदर भी यहां पर कई सारे इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अब आप लोगों से अगर स्टेट के बारे में मैं आप लोगों से बात करने लगूं सेम, तो याद रखिएगा आर्टिकल 163 यहां पर स्टेट के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए एडवाइस देने के लिए गवर्नर को, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है 164 के तहत, ठीक है। तो जहां पर 74 है और 75 है, तो 163-164 है यहां पर बेसिकली स्टेट के अंदर में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में क्लैरिटी रखिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहां पर जो आने वाली है बेसिकली आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। एक मिनट, न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन के अंदर यहां पर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है वो बेसिकली बोल रहा है अगर कल को चलकर यूके हमारे साथ में, जैसे कि मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई दवाई है, ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और वही दवाई अगर उनके वहां पर यूज की जा रही है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अगर देखने को मिलेगा तो हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी वे में जैसे वो हमारे साथ में कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि जैसे को तैसे वाली बात हम लोग करेंगे, ऐसी बातें यहां पर बोली गई है। तो अभी यहां पर बेसिकली हम लोग जिस भी कंट्री अगर उल्टी सीधी हरकतें कोई कर रहे हैं उसको उसी हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। अब तक क्या होता था, जैसे कि अब तक अब से पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा झुक जाया करती थी, पर लेकिन अब प्रेजेंट गवर्नमेंट वो झुकती नहीं है। जैसे अभी बात करेंगे तो क्या कर रहा है, पाकिस्तान भी शांति बनाए रखे हुए प्रदेश में, सीज फायर वायलेशन नहीं कर रहा, उसको पता है कि क्या होगा, वरना चाइना को तो छोड़ा नहीं, डोकलाम वाले सेक्टर में सामने जाकर बैठ गए कि करो क्या करना है तुमको। तो अभी यहां पर ऐसी बातें बोली जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्कॉटलैंड क्या है, इंग्लैंड क्या है, वेल्स क्या है, या फिर यूके क्या है, इनमें अलग अलग कोई डिफरेंस है या फिर सारे एक है, तो समझिए। अगर बात करें कोई ब्रिटिश इसलिस बोले, यानी कि ब्रिटिश आयरलैंड बोले, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारे, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। बाकी जब बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम बोला गया, इनके चार किंगडम, स्कॉटलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया और इंग्लैंड हो गया, चार किंगडम को मिलाकर एक बनाया गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये है। बाकी स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर ये इंग्लैंड जो है ये अलग अलग पार्ट है, यहां पर ये अलग अलग स्टेट है छोटे छोटे। ग्रेट ब्रिटेन पूछे किसको बोलते हैं, तो यहां पर तीन है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और ये बेसिकली आयरलैंड पूरा हो जाता है यहां पर, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा इसके बारे में। यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली बात की जा रही है वुमेन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट खासकर उनके लिए है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो 2022 में बोला गया है महिलाओं को, यानी कि एक तरीके से लड़कियों को अलाउ किया जाएगा यूपीएससी के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें अलाउ किया जाएगा, ऐसा यहां पर अभी बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पहले यहां पर परमानेंट कमीशन में नहीं जाया करते थे, यहां पर सोर्स सर्विस कमीशन में वुमेन को अलाउ किया गया था, पर लेकिन अब परमानेंट कमीशन में भी अलाउ किया जाता है। सोर्स सर्विस कमीशन में 10 साल ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, परमानेंट कमीशन में 20 साल। परमानेंट कमीशन 20 साल होने के बाद में एक तरीके से परमानेंट कमीशन जो है रिटायर उसमें प्रॉपर एक एज के थ्रू होकर आते हैं, पर लेकिन यहां पर रिटायरमेंट आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिल जाती है। तो यहां पर बेसिकली इसके चलते अगर हम लोग परमानेंटली यहां पर महिलाओं को अलाउ कराएंगे तो उससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था परमानेंट कमीशन के लिए। आज की डेट में अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो कंट्री है जहां पर नॉर्मली आप लोगों को मिलिट्री से रिलेटेड बेसिकली पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर फ्रंट लाइन कॉम्बैट भी आप लोगों कंट्री में जो महिला है वो लड़ती हुई नजर आ जाएंगी। हमारी कंट्री में कोई आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में, तो इंडिया के अंदर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें सबसे ज्यादा महिलाएं 13%, अगर इंडियन नेवी के अंदर बात करें ओनली 6% और इंडियन आर्मी के अंदर तो ओनली 3.8%। तो ये काफी बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, एक डेटा है छोटा सा आप लोगों के सामने। बाकी बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग महिलाओं को अलाउ नहीं करते तो आर्टिकल 16 का हनन करने आप लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, कोई भी सेक्स के ऊपर, कोई रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर आप लोगों को डिफरेंस नहीं करना है, पर लेकिन आपने तो कर दिया महिला का नाम लेकर यहां पर डिफरेंस। तो ये सारी ऐसी दिक्कतें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है।
खरीफ की क्रॉप के बारे में बोला जा रहा है कि बढ़ाई जाएगी, अभी फिलहाल जो है डिप हो रहा है ऑयल सीड के चलते, तो कई सारी बातें बोलेंगे, तो ये तो ये आप लोगों से नहीं पूछेगा, पर रबी खरीफ और जायद क्रॉप के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, ये जो बोई जाती है ये अक्टूबर में और काटी जाती है अप्रैल और जून के अंदर में। गेहूं, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड ये देखने को मिलेगी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर में ये उगाई जाती है खेती। खरीफ के बारे में जो यहाँ पर आर्टिकल है इसमें याद रखिएगा, जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो राइस, चावल, मेज, ज्वार ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आसाम, वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कई सारे एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जायद के बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली बोई जाती है मार्च में और काटी जाती है यहाँ पर बेसिकली जुलाई में, मार्च से लेकर जुलाई तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हार्वेस्ट की जाती है और बेसिकली मार्च से लेकर जुलाई तक, यानी कि इन दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। सीजनल फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बाकी मोस्ट ऑफ द है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के लाए जाते हैं अलग अलग खेती से, तो कंपटीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल मिलाकर 23 ऐसी क्रॉप है जहां पर एमएसपी दी जाती है। ठीक है, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुगर कैन के लिए भी अभी डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जब बात करें कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, 1965 में बनाया गया था, एक एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो माने और ना चाहे तो ना माने। ठीक है, तो 23 प्रोडक्ट है यहाँ पर जिनके बारे में याद रखिएगा। ये 23 प्रोडक्ट जो है इसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीरियल है 7, पल्सीज है 5, ऑयल सीड है 7, कमर्शियल क्रॉप है 4। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, आसाम और नागालैंड जो है वो मिलकर काम करेंगे, अभी रस्साकसी देखने को मिल रही थी, तो बोला ये जा रहा है कि आसानी से मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, तो अच्छी चीजें देखने को मिली कुछ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया दिल्ली गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए ऑक्सीजन स्कार्सिटी, जो एक तरीके से डेथ है जो ऑक्सीजन की वजह से, तो उसके बारे में एक पैनल बनाने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं, अगर यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की पोल्यूशन के बारे में, सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में, पुणे और महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इंडियन जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे के अंदर में, IITM पुणे, तो वहां पर आप लोगों को बेसिकली चीजें नजर आएंगे। ऑपरेशनलाइज किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली इंडिया के अंदर, फर्स्ट एयर क्वालिटी जो एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम है उसके तहत। ठीक है, ये ऑल वेदर पैरामीटर देखने को मिलेगा यहां पर, बारिश, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी इसके साथ में अल्ट्रावायलेट रेज, पार्टिकुलेट मैटर 1, पार्टिकुलेट मैटर PM1, मरकरी, ब्लैक, ये सारी चीजों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, तो इसके चलते बात की जा रही है। बाकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, कल कोई फिशरमैन जो है मछली पकड़ने जा रहा है, कोई किसान है वो देखने को मिल रहा है, तो उनको बचा पाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे से प्रिपेयर करके चल सकते हैं, यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सफर के बारे में पूछे तो सफर है लंबा सफर तय करने वाला। ठीक है, तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेवंथ जो यहाँ पर सेवंथ सीरो सर्वे के बारे में बात की जा रही है। सीरो सर्वे बेसिकली होता क्या है, कौन कंडक्ट कराते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ जो मेडिकल रिसर्च है वो यहाँ पर इसको कंडक्ट कराती है। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, सीरो सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके चलते ये चेक करते हैं कि कोई, जैसे पिछले यहाँ पर टाइम में जब COVID-19 की सेकेंड वेव चली, तो कितने सारे लोगों को बीमारी हुई, कितने सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, और जो वो रिकवरी है उसके बेस पर क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग छोटी सी याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR भी आप लोग बोलते हैं, ये इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। 1911 में बेसिकली बनी थी, उस टाइम पर फंड एसोसिएशन इसको बोला करते थे, पर आज के डेट में इसका नाम चेंज आप लोग के सामने है। ठीक है, तो ये जो इसके द्वारा यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर इनके द्वारा जो इंडियन काउंसिल जो मेडिकल रिसर्च है, ये 1949 में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि काफी पुरानी बॉडी आप लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, बलराम भार्गव जो है वो इसके चेयरपर्सन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रिजर्व करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट की गई है सेंट्रल विस्टा के द्वारा। कई सारी ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रही है, जब से हमारी कंट्री में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि नई पार्लियामेंट बनाई जा रही है। तो नई पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि टोटल एरिया जो होगा 64,500 स्क्वायर मीटर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ट्रायंगुलर शेप में आप लोग को ये नजर आएगी। ठीक है, थीम क्या है यहाँ पर, लोकसभा के अंदर पिकॉक, राज्यसभा के अंदर लोटस और सेंट्रल लॉन्स के अंदर बनियान ट्री का सिंबल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। इसी के साथ में 888 सीट लोकसभा के लिए और 384 सीट राज्यसभा के लिए बोली गई है। अभी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है नॉमिनेशन को अगर मिलाकर चले आप लोग, तो ये बताएगा। टाटा जो प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो कॉन्ट्रैक्टर है, HCP डिजाइन जो पावर लिमिटेड, ये पावर एंड मैनेजमेंट है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इसके नीचे, यानी कि बच्चे के नीचे बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक तरीके से मतलब कहने का यहाँ पर ये एक तरीके से
कि ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर अगर बात की जाए, इससे एक ये पर्टिकुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके नीचे दूसरा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ताकि एक यानी एक तो ढांचा तैयार कर रहा है और एक यहाँ पर पूरा उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। 2022 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये देखने को मिलेगा। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन जाएगा, सेंट्रल विस्टा के बारे में याद रखिएगा। सेंट्रल विस्टा हाउस आप बात करें, हाउस राष्ट्रपति भवन जो है बेसिकली पार्लियामेंट हाउस, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंडिया गेट वगैरह। 1911 में यहां पर ये चीजें बनाई गई। 1911 में किंग जॉर्ज जो फाइव थे वो हमारे देश में आए और दिल्ली दरबार यहां पर लगाया गया। ये वही दिल्ली दरबार है जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसी दिल्ली दरबार के टाइम पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की कैपिटल जो है वो ट्रांसफर की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो कौन थे यहां पर उस टाइम पर गवर्नर जनरल, तो ये याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बातें। गवर्नर जनरल थे यहां पर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। तो उनके टाइम पर यहां पर बेसिकली दिल्ली दरबार यहां पर लगाया गया था। कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी यहां पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहां पर वर्ल्ड वॉर भी यहां पर जो यहां पर ये गवर्नर जनरल हार्डिंग है इन्हीं के टाइम पर देखने को मिली, जो कि स्टार्ट हो गई थी 1914 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी के टाइम पर यहां पर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में ये बेसिकली हिंदू महासभा को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हो गई कुछ, ठीक है। बाकी यहां पर याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने बता दिया, इनका तिलक किया गया था यहां पर दिल्ली दरबार लगाकर, किंग जॉर्ज फाइव का, इंडिया के अंदर आए थे यहां पर ये, ठीक है। अगर बात करें लुटियन और जो हर्बर बेकर है, तो उनके बारे में याद रखिएगा, यहां पर एक इनके द्वारा सिटी कंस्ट्रक्ट की गई है हर्बर बेकर के द्वारा। यहां पर अगर बात करें यूएसए के पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई गई है, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस जो है यहां पर लुटियन और बेकर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसी के साथ में राष्ट्रपति भवन जो है वो एडविन लुटियन के द्वारा बनाया गया है, और सेक्रेटरिएट जो है वो एडवर्ड बेकर के द्वारा बनाया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। आगे मैंने अभी बताया था ना कि एलओसी पर काफी ज्यादा शांति है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं शांति यहां से निकल कर आ रही है, ऐसा नहीं है यहां पर ऐसी शांति बन जा रही है। तो एलओसी के बारे में याद रखिएगा, लगभग 776 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बच्चे ने पूछा था नेपाल के बारे में, मैंने बताया था नेपाल को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो नेपाल को उत्तर प्रदेश और बिहार में कंफ्यूजन था उसको, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ज्यादा टच करता है, उत्तर प्रदेश कम टच करता है बॉर्डर एज कम्पेयर टू बिहार, बिहार ज्यादा बॉर्डर टच करता है नेपाल के साथ में, तो ये आप लोग याद रखना। तो एलओसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की, बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पर ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिक चीज है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पर एक दुर्घटना देखने को मिली, हमारी कंट्री के एक जवान जो है वो शहीद हो गए यहाँ पर, बेसिकली हेलीकॉप्टर फट गया, ठीक है। तो चेतक था यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो फटा यहाँ पर, और मेजर रोहित कुमार और इसी के साथ मेजर अनुज राजपूत, तो इनकी दोनों की इंसिडेंट पर डेथ हो गई, जो कि एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, कस्तूरी जो रंगन कमेटी बनाई गई यहाँ पर, हमारी कंट्री में कैसे एजुकेशन सिस्टम के लिए सिलेबस तैयार करना है और कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो ये कमेटी यहां पर बताने वाली है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आप लोगों को बताया देश के अंदर लाई गई थी, तो ये तीसरे नंबर की थी, 1968 में पहली, 1986 में दूसरी, और अभी यहां पर एक तरीके से देखने को मिलेगा 2020 में दूसरी पॉलिसी यहां पर लाई गई, ठीक है। तो यहां पर 1968 और 1986, अब 2020, ठीक है। तो याद रखिएगा, एजुकेशन जो है वो सातवें शेड्यूल के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे बात करें तो दो और अफगान जो है उनको अभी पकड़ा गया है उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, बेसिकली यहां पर नशीले दवाई बेचते हैं, ये गोल्डन क्रिसेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईरान हो गया यहां पर, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो यहां से चीजें लाई जाती हैं, इधर गोल्डन ट्राइंगल हो गया जिसमें वियतनाम हो गया, बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया और लाओस हो गया, तो दोनों तरीके से हमारी कंट्री के ऊपर मारा मारी है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, तो सोचने वाली है। वीके जो यहां पर चौधरी है उनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर को स्टाफ, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो वीके चौधरी, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहे हैं यहां पर भदौरिया साहब 30 सितंबर को, तो इसके चलते यहां पर नया चेहरा सामने आएगा वीके चौधरी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खासकर अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। आगे कोई लिंक नहीं है AKUS के अंदर में बोला गया, AUKUS, उसको कोई लिंक नहीं है कि यहां पर चाइना को टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो ये फालतू की बातें, ऐसी बातें बोली जा रही हैं, बाकी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। बात करें फर्टिलाइजर रेट जो है वो यहां पर एक तरीके से फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो गया यहां पर, खासकर देखा जाए मुस्लिम के अंदर भी, यहां पर 4.4 था 1992 में, 3.6 हो गया 1998 में, 2005 में 3.4 हो गया, अभी ये 2.6 हो गया मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में, फिर भी फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा यहीं पर ही देखने को मिलेगा, हिंदू का अंदर, वृद्धर, क्रिश्चियन और ये सब आप लोग देखते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है रेलवे के द्वारा, अभी बात करें सीबीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया, जो कि सीबीसी के नॉर्म्स होते हैं, बोला गया गलत बात है इसके द्वारा। सीबीसी के बारे में याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, 1964 में इसको बनाया गया, 1964 में बनाया गया था, 2003 में स्टैचुटरी स्टेटस दे दिया गया इसको। अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और अपोजिशन के लीडर इन लोकसभा, ये तीन मेंबर की कमेटी यहां पर इसको अपॉइंट करती है, 4 साल या 65 साल में से कोई भी पहले हो जाए तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में,
रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के तौर पर। अगर आप लोग बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यहाँ पर ये अभी कई सारी सिलेटी चीजें भी यहाँ पर एनजीओ बेसिकली डिस्कस की गई थी। हालांकि ये बेसिकली आप लोगों को लास्ट ईयर की चीजें अभी देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ओल्ड जो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बोली गई हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रहने वाली है वो यहाँ पर 10% इनके द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पहले 11 बोली गई थी अब 10 बोल दी गई है हमारी कंट्री की हालत को देखते हुए, ऐसी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो ट्रूडेस है यहाँ पर एक तरीके से एक जो है यहाँ पर कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ट्रूडेव आप लोग बोल सकते हैं पार्टी जो है कैनेडा के अंदर ये जीत कर आई है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन, कैसा आप फीडबैक जरूर बताएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना, कल उनके आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, फीडबैक जरूर देना जो मैंने आप लोगों से बोला है, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।